भांति भांति के पुष्प खिले हैं इस वन उपवन में। देखो को लाखौड़ मम्मी इसको लाखौड़ बने लाखौड़ जी। तो ये है ड्राइंग रूम यहाँ पे, और पहले ये कमरा हुआ करता था लेकिन बाद में इसको ड्राइंग रूम बना दिया गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका जियो पहाड़ में। मेरा नाम है करण भंडारी। तो हो चुकी है आज की ब्लॉग की शुरुआत, और आज मैं जा रहा हूँ पुडियाणी से गैरसैंण। मैं हूँ अभी गैरसैंण पे, पहुँच गया मैं गैरसैंण। ये है घर पीछे, और मम्मी चली गई अभी घूमने, बाकी लोग भी अपने काम पे लगे हैं। ये ऊपर होटल है और नीचे घर है, गोलोक होटल। अगर जानते हो आप तो कमेंट बॉक्स में लिखना #गोलोक। तो बेस में तो घर है और ऊपर ये है होटल, होटल गोलोक। गोलोक अगर आपको ना पता हो तो गोलोक है भगवान कृष्ण का धाम, तो उसके नाम पे यहाँ पे गोलोक पड़ा है। ये है नीचे घर, सीढ़ियों से ऊपर आए तो होटल, और अगर आपको ऊपर छत पे जाना है तो ये है एक पुल, लोहे का पुल, मिनी पुल कह सकते हैं। यहाँ से किवाड़ खोला और ये पुल को क्रॉस किया। ये है छत, और यहाँ पे काफ़ी सारे सोलर पैनल लगा यहाँ पे, ताकि लाइट चली जाए तो कोई दिक्कत ना हो कस्टमर को। और साथ में यहाँ पे लगा है पानी गर्म करने के लिए सोलर सिस्टम। ये तो क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है प्रेजेंट टाइम में, है ना। हालांकि ये टेक्नोलॉजी तो पहले की है, सोलर से चीज़ें बनती हैं, चाहे वो सोलर पैनल हो या ये पानी गर्म करने का हो, सोलर सिस्टम हो। तो देखो प्रकृति का ही गिफ्ट है हमें। अब सूरज भी अस्त होने को है, ये है सामने गैरसैंण। और ये जो यहाँ से ये वाला एरिया है ना, ये पूरा बैंड वाला है बैंड। पहले यहाँ पे 2005 में इक्का दुक्का मकाने थी, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे इतनी धड़ल्ले से मकाने बन गई ना, तो मुझे लग रहा है गैरसैंण से ज़्यादा जनसंख्या तो अब यहीं होगी होगी। ये सलियाना बैंड के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से देखो ये ऊपर तक अभी भी बन रही है, और जो ये नीचे बिल्डिंग है ना, ये ITI की बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। ये सामने जो गांव है ये है मरोड़ा गांव, और इसी के नीचे सारे ग्वाड़ या सारे गांव वगैरह वगैरह हैं। और सामने है अपना विधानसभा भवन, यानी कि भराड़ीसैंण। तो कल हम यहाँ का टूर करेंगे, भराड़ीसैंण का टूर करेंगे। तो जो यहाँ का एरिया है ना, गैरसैंण का एरिया, ये भी बड़ा खुला खुला है, दूर दूर तक देखो नज़रें पहुँचती है। बड़ा मस्त एरिया है यहाँ भी, जैसे मैंने आपको कल परसों दिखाया ना नोटी वगैरह वगैरह, तो ये देखो दूर दूर तक खुला खुला एरिया है। देखो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। तो मेरे को करनी है अभी वीडियो एडिटिंग का काम भी है, रिकॉर्डिंग भी करनी है और साथ में एडिटिंग भी करनी है। तो एडिटिंग का काम करते हैं पहले। तो यहाँ भी धूप काफ़ी देर तक रहती है, जैसे वहाँ दिखा ना मैं आपको नंदासैंण वगैरह 5 बजे तक, यहाँ भी काफ़ी देर तक रहती है धूप। तो अब जैसे ही धूप गई अंधेरा, रात हो गई। अब यहाँ पीछे देखो भांति भांति के पुष्प खिले हैं इस वन उपवन में। देखो को लाखौड़ मम्मी इसको लाखौड़ बने लाखौड़ जी। ये है मम्मी यहाँ पे, मम्मी अभी तक जब मैं आया उसके बाद मम्मी घूमने चली गई। अब मम्मी बोली लाखौड़ थोड़ी चू ट्राईपॉड बनो ट्राईपॉड। अब मम्मी ट्राईपॉड बोल नहीं सकें, ट्राईपॉड बोल दी ट्राईपॉड। सो ट्राईपॉड हाँ, ये भी इनके कैमरा ऐड करना है। ये जन हाथ पे थक जानू, उंगली थक जानती, ये इनके पकड़ जाओ तो बस इनके वीडियो बनाए। तो कब तक जाए घूमो? अच्छा ठीक, तो मम्मी की इवनिंग वॉक हो गई।
शाम आ घूमण हुई थी। यहाँ है किचन पीछे, एक गैलरी गैलरी टाइप में है, कल दिन में दिखाऊंगा क्योंकि अभी तो अंधेरा है, दिखेगा नहीं। और ये है नीचे मकान और ऊपर है होटल, ये कमरे हैं। कहूँ बताओ लोगों की, यहाँ बाड़ में काफ़ी सब्जियाँ होगी भाई। हमारे यहाँ तो मटर के पेड़ छोटे छोटे हैं, अभी मुझे लग रहा है इन लोगों ने पहले बो दिए ना, तो कितने बड़े हो गए। ये देखो कितने बड़े झाल हो गए। और नीचे संतरे के पेड़ भी ठीक ठाक हैं, तीन यहाँ हैं और एक इधर है, और ये शायद नींबू है। हाँ, और एक नींबू ये भी था लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया, इसको सूख गया है। एक संतरे का पेड़ है, एक उधर वो अनार है, और ऊपर ये छुटकी सी जो डब्बा है ये दुकान है। और ये प्लेग्राउंड है। तो ये है ड्राइंग रूम यहाँ पे, और पहले ये कमरा हुआ करता था लेकिन बाद में इसको ड्राइंग रूम बना दिया गया। और यहाँ से ये थी खिड़की, तो बाद में यहाँ पे एक दरवाज़ा निकाल दिया गया, और यहाँ से अंदर है कमरा। और यहाँ पे अंधेरा हो रखा है, मुझे आपको कर दें। ये है डाइनिंग रूम, और एक रूम यहाँ है और एक रूम यहाँ है, यहाँ अंधेरा है और एक रूम यहाँ है। हालांकि ये जो रूम बना था ना, ये किचन के लिए बना था, ये जो बना था कमरा किचन के लिए बना था। आप देख लो यहाँ पे ये रैक बने, ये रैक बने, ये किचन के लिए बना था लेकिन बाद में ये रूम बन गया, क्योंकि इतना बड़ा किचन थोड़ी होता, किचन बाद में पीछे बना दिया। तो ये है, और अब ये है, अब ये जो किचन वाला रूम हो गया ये मम्मी का रूम हो गया, और यहाँ मम्मी का एकाधिकार, मम्मी का एकाधिकार है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता यहाँ पे मम्मी की आज्ञा के बिना। और जो ये रूम है, ये रूम भी है और मंदिर भी है, टेंपल रूम भी, हाँ मंदिर भी है। यहाँ पे मंदिर है जो कि अभी कपाट बंद है, अब लगभग 6 बजे, क्योंकि मेरी आदत है मैं तो 6 बजे से 6:30 के बीच में पूजा कर लेता हूँ, क्योंकि शाम को नरसिंह आरती होती है तो शाम को मैं पूजा कर लेता हूँ। और ये लोग 8 बजे करते हैं, ये लोग 8 बजे करते हैं जब लोगों का सोने का टाइम होता है। इस मकान का सबसे बड़ा रूम यही है, नहीं ये तो नहीं, जो उधर ड्राइंग रूम है ना शायद वो भी इतना ही बड़ा होगा मुझे लग रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ा है। यहाँ अलमीरा अलमारी में निकाली गई है दरवाजे पे ही, और यहाँ पे बब्बी यानी कि मेरे भाई की लड़की है, उसके लगे यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। टेबल लिखी है, टेबल ये टेबल लिखी है, ये इसने मैप चिपका रखा है, शायद इसको देखती होगी कभी वो, मुश्किल देखती होगी क्योंकि इसका नाचने में ही ध्यान है। और ये देखो कभी किसी ज़माने में उसके लिए हम लाए थे वाइट बोर्ड, उसने वाइट बोर्ड को बना दिया ब्लैक बोर्ड। यहाँ क्या लिखा है, इंग्लिश आई लव द मोस्ट, इंग्लिश आई लव द मोस्ट, कौन सी इंग्लिश लिखी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीरियड, ये पीरियड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, अपना तो पढ़ती नहीं है लेकिन क्या करेगी, खाली मतलब इमेजिन करती है और एक डंडा पकड़ के पीटती रहती है बिस्तर को, हैं हैं खड़ा हो ये वो। तो ये मैंने आपको गैरसैंण का जो घर है उसका अंदर का दिखाया और बाहर का दिखा दिया थोड़ा। और कल दिन में सोच रहा हूँ मैं कल भराड़ीसैंण जाऊँ, या नीचे ये गुफा है, कहाँ है वो गुफा, क्यों भी पता चू गुफा कौन, बाबा अवतारी गुफा, दूनागिरी ना यार, यो खिचाती यो गुफा से वो मां रोड में वो पैदल जाना पड़ना, आई चावा शिवालय वो खन, शिवालय शिवालय से एगिंजो, अच्छा तू जा सो जा सो, वो तो हां हां वो एगिंजो है। हां और मम्मी चाय और फैन का आनंद उठा रही है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें।